खाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। क्या ये बात सच है, लेकिन खाजा आसिफ ऐसा क्यों बोला? बिलावल भुट्टो दो दो तीन तीन हफ्ते अमेरिका रहकर आता है कि इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। इनके पास एक ये 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है। जरदारी के पास पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है, अमेरिका से पैसा लिया और यहाँ पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, भाड़े की फौज है, बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तानी हर समय जब बात करेंगे ना, दे हैव अ फोग्ड टंग, जैसे फोर्क होता है ना, इसके दो ऐसे सिरे होते हैं, इनकी फोग टंग है, इस ये इसके जबान है, जबान के दो हिस्से हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों एक बार फिर मेजर करोवारिया का वीडियो लेके आया हूँ और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि पाकिस्तान इज ऑफिशियली बैंक्रप्ट। तो देखते हैं मेजर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं और कौन कौन सी खबर लेके आज के वीडियो में आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। मैं हूं मेजर करोवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसका एक सनसनीखेज बयान आया है, विच इज एक्चुअली नॉट सो सनसनीखेज, बट मैं बताऊंगा। ये प्याज की तरह है बयान, प्याज जो पाकिस्तान में बड़ा नायाब है, बहुत महंगा है, उसी प्याज की तरह ये बयान है। इसमें परत है और उसके अंदर परत है और फिर उसके अंदर परत है, और अब मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला नहीं, डिफॉल्ट कर चुका है। ये बात सबको पता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। डिफॉल्ट इसेंशियली क्या है? पाकिस्तान डज नॉट हैव द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डज नॉट हैव द डॉलर्स टू कवर इट्स इंपोर्ट्स। अब ये झूठ बोल के कि हमारे पास दो हफ्ते का, हमारे पास तीन, इनके पास कख नहीं है, ठीक है, ये मांगे तांगे के पैसे हैं, इनके खुद के पैसे नहीं है। और वो भी सऊदी अरब ने इस शर्त पे पैसे दिए थे कि बच्चे इसको खर्च मत करना, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर तुम रख सको, दुनिया को दिखा सको, इसके लिए। अच्छा दूसरी चीज है कि IMF ने अभी उसको और आगे लोन को IMF ने मना नहीं करा, और आज मैं भी ये कह रहा हूं कि इनको IMF से लोन मिलेगा, जरूर मिलेगा। पाकिस्तान विल गेट IMF हेल्प, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी मत रखिएगा अपने जहनों में शक। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से ये लोग नाक से लकीरें निकलवा देंगे, तब जाके इनको पैसा, कई सारे खून के आंसू रुलवा के, क्योंकि यही दैट इज व्हाट IMF वांट्स। IMF कह रहा है यार तुमने 22 बार हमें झूठ बोला, 22 बार हमें चूना लगाया, अब नहीं, अब तुम पहले काम करोगे फिर तुम्हें पैसा मिलेगा, और जब IMF पैसा देगा तब इनका जो आयरन ब्रदर है, शहद से मीठा दोस्त चाइना, तब वो उसने बोला, चाइना ने बोला देखो पैसे में ना, पैसे में कोई यारी दोस्ती नहीं चलती। सऊदी अरब ने बोला कि यार तुमने ये मुसलमान मुसलमान तुसी भी मुसलमान असी मुसलमान ये कह के मैं बहुत तुमने थूक लगाया, बहुत चूना लगाया, सॉरी यार दूर जाके खड़े होगा, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बोल दिया, तुर्की ने भी, सब ने हाथ जोड़ लिया इनसे कि यार इस्लाम के नाम पे तुमने जो झूठ बोला है, तुमने जो बकवास करी है, अब हमसे मत करो, क्योंकि हम तो बहुत फ्रॉड कर चुके हैं हमारे साथ। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बोला पहले IMF से बात करो, वो पैसा देगा तब हम पैसा देंगे, ठीक है। और ये बात हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और ये बात सच है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला? दो दिन पहले का बयान है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ये कहती है कि मेरा इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये ख्वाजा आसिफ है कौन? ख्वाजा आसिफ बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि नवाज शरीफ का खास सगा है, और ख्वाजा आसिफ को ऐसा डिपार्टमेंट दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसमें बेचारा इसकी कदर एक कोई छोटे मोटे क्लर्क से ज्यादा नहीं है इसकी कदर। हिंदुस्तान में तो कई लोगों को यह नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का करता क्या है? वहां पे तो आर्मी चीफ करता है सर, वहां पे आर्मी चीफ करता है, और नंबर टू उनका जॉइंट चीफ है, वो करेगा। इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है डिफेंस से, बट ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर एरिक बुल का होता है, ख्वाजा आसिफ को बोल दिया कि रखने के लिए रखा है, ठीक है। तो गाड़ियां मिल गई उसको 10-15-20 आगे पीछे चलने वाली, उसको ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन इसके अलावा देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली विद ख्वाजा आसिफ। अच्छा, ख्वाजा आसिफ वही बयान दे रहा है जो लंदन से बैठ के उसका मालिक नवाज शरीफ उसको बोल रहा है। दोनों भाइयों में हल्की सी दरार पड़ चुकी है, ये मेरा एनालिसिस है, राइट, और मैं ये मानता हूं कि एनालिसिस सही है मेरा, क्योंकि उसकी बेटी भी यही कह रही है नवाज शरीफ की।
नवाज शरीफ की बेटी ने बोला 48 घंटे के बाद अचानक इसका बयान आता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं रहा, डिफॉल्ट कर चुका है। कर चुका है। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है पावर में, जो देश का डिफेंस मिनिस्टर है, जो सरकार का हिस्सा है, एक कैबिनेट मिनिस्टर वो ऐसी बात क्यों कहेगा? वो ऐसी बात क्यों कहेगा? देश के फाइनेंस मिनिस्टर तो ने ये नहीं बोला, इशाकडर ने तो अभी तक ही नहीं बोला। मामला तो उसका है ना इशाकडर का बोलने का। हाँ, उनको बोलना चाहिए। अगर किसी को बोलना चाहिए तो इशाकडर को बोलना चाहिए। इशाकडर बोल नहीं रहा, ये बोल रहा है क्यों? कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों के बीच में दरार है, और कहीं ना कहीं नून लीग में दरार है, और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अंदर ही अंदर कोई उसको खोखला कर रहा है। मैं आपका यहां पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, लेकिन ये जो अपने बेनिफैक्टर के साथ गद्दारी करना, ये पाकिस्तान का इतिहास है। मैं आपको दो तीन एग्जांपल देता हूं। नवाज शरीफ ने फौज के साथ गद्दारी करी। नवाज शरीफ को नवाज शरीफ बनाने वाला फौज था। पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ पैदा करा। पाकिस्तानी फौज ने जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा करा, ठीक है। पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान पैदा करा। अपने पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ पैदा करा। ये सब जितने भी अपने आपको डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं, ये जो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक लीडर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं, ठीक है। सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं, और ये इन्होंने सब ने पाकिस्तानी फौज को धोखा दिया। सब के सब ने, ये मीर जाफरों का मुल्क है। मैं आपको बताता हूं एक और एग्जाम्पल, ये आज की तारीख में, ठीक है। इमरान खान जनरल बाजवा को गाली दे रहा है। इमरान खान से कोई पूछे कि भाई तेरे पास तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी नहीं, तुझे प्रधानमंत्री बनाया किसने? आर्मी ने। पूछे कोई उससे, तुझे बनाया किसने प्रधानमंत्री? तू किसके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना? राइट, पूछो उससे। ये बोल नहीं पाएंगे। ये कहेगा लोगों का भरोसा था मेरे ऊपर, लोगों का विश्वास था मेरे ऊपर, कख नहीं। बात यह है कि जनरल बाजवा का फोन गया और ये छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करा, इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया। टोटल कहानी है। अब ये जो गद्दारी वाला सिलसिला जो चलता है ना पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं ये अपने के सगे नहीं है, यही चीज अब इनके नून लीग के अंदर हो रही है। ये चाहता मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं, कैसे भी मुल्क का, टूटे फूटे मुल्क का, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़े भैया की जड़ें काटने में लगा हुआ है। इमरान खान बाजवा की जड़ें काटने में लगा हुआ है, बाजवा किसी और की जड़ें काटने में लगा हुआ है। सब आपस में ही है, और एंड में जब इनका मुल्क बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा ही रहा है और नीचे घुस जाएगा, हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश, मैं बता रहा हूँ, यही गाना इनने गाना है पाकिस्तान। असल बात यह है कि इनकी नीयत खराब है, ये बात सच है। किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे तो भैया बुरा लगता रहे, सच यही है। सच झेलने का मादा रखो अपने अंदर, ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान कॉल्स फॉर अफगानिस्तान कैपेसिटी बिल्डिंग टू काउंटर टेररिज्म एट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस। ये बिलावल भुट्टो पहुंच गया म्यूनिक। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स, बड़े मशहूर सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये बिलावल भुट्टो गया क्यों यहाँ पर, ये किसको क्या देने गया है, मुझे नहीं समझ में आता। इनका आसिम मुनीर है जनरल, ये जाता है यूके, वो भी पीक मार, हफ्ता भर रहकर आता है 5-6 दिन, राइट। फिर बिलावल भुट्टो 2-2, 3-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है। ये इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। ये लाखों डॉलर खर्च करके, ये जो भाई है ये वहां पे जाता है और ये सब करता है, ठीक है। अब वहां पे म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में फिर ये मांगने के लिए शुरू हो गया मामला इसका कि अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो। कहां जाके नहीं मांगते ये। पहले इसने बोला कि वहां के लोग ठंड है, वहां के लोग भूखे मर जाएंगे, वहां के लोगों का ये हो जाएगा, इसलिए पैसे दो, ठीक है। पहले ये लोग ये बोलते थे, शहबाज की सरकार हालात ऐसे है। अब इन्होंने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया कि वहां से टेररिज्म आ रहा है, इसलिए वहां पे हेल्प करो। टेररिज्म तो तुम्हारे यहां से भी आ रहा है भाई, तुम्हारी हेल्प करते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये मांगने के लिए गया है वहां पे। बस ये है कि 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के, और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है, जरदारी के पास, तो अपने बाप के पैसे से ऐश करता है ये। सरकारी खर्चे पे गया, वहां पे रहा 5-स्टार होटल में, इसने स्वीट बुक करवाया, अय्याशी करेगा 1 हफ्ता, और पाकिस्तान की झोली में आएगा 0, ठीक है। ये बिलावल बार बार क्यों जाता है बाहर, मैं आपको बताता हूँ क्यों जाता है। ये पाकिस्तान के लिए नहीं जाता, पाकिस्तान के लिए नहीं जाता। इसका नाना प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली, इसकी माँ प्रधानमंत्री थी, ये फॉरेन मिनिस्टर है, ये तैयारी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की। ये जो तैयारी कर रहा है कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा, इसीलिए सरकारी खर्चे पे, कपड़े अपने बाप के पैसे, घड़ी अपने बाप के पैसे से, और सरकारी खर्चे से
बाहर जाओ, बाहर लोगों से मिलो, अपना सब कुछ वहां पे करो, अमरीकनों के साथ बैठ के ऐश करो, वहां पे शेखों के साथ बैठो, इधर बैठो उधर बैठो। अभी म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में ये अफगानिस्तान का गाना गाने पहुंच गया है, वहां पे सीरियस डिस्कशन होते हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स में सीरियस डिस्कशन होते हैं। ही इज द ओनली नॉन सीरियस पर्सन। ये डावोस गया, डावोस से क्या करके आया, इसने कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया डावोस में, आप ये बता दीजिए। इसको सिर्फ ये बोला कि सबसे वेल ड्रेस्ड फॉरेन लीडर था, ये तो इनका एजाज हासिल है इनको, ये इनको चीजें हासिल है कि वेल ड्रेस्ड लीडर थे, ये इनकी औकात है। अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं लाया, कितने करोड़ों डॉलर इसने खर्च कर दिए अपने फॉरेन ट्रेवल्स पे, ये पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। और इससे बोलो तुम लाए क्या डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए, क्या लाए, कख नहीं, जीरो, ठेंगा, ठीक है जी। अच्छा, हामिद मीर है पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट और बड़े नामी ग्रामी, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट्स, पाकिस्तान इज बिकम द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर जर्नलिस्ट, सेड सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर ऑन फ्राइडे, एंड एडेड दैट द स्टेट मशीनरी हैड फेल्ड टू प्रोटेक्ट स्क्राइब्स फॉर रेजिंग फैक्ट्स एंड हाईलाइटिंग पब्लिक इश्यूज, द गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट फैक्चुअल न्यूज बट वॉन्ट्स न्यूज ओनली इन इट्स फेवर इन द मीडिया। अच्छा, हामिद मीर साहब को गोलियां भी लगी थी छाती में, तो हामिद मीर साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कुछ की प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, को पाकिस्तान में जितने मुंह जितनी बातें, ठीक है ना, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस बंदे ने गोलियां खाई हैं छाती पर हामिद मीर में, तो ये बात तो हमें ग्रांट करनी पड़ेगी कि अगर इसको गोलियां पड़ी हैं आवाज उठाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके मतलब कहीं ना कहीं तो सच सच बोलता है, सच्चाई है। वो असद तूर था, क्या नाम था एक पाकिस्तानी, वो लड़का सा था यूट्यूबर, उसको भी मार के उसका हाथ तोड़ दिया, और मतीउल्ला जान को भी ये लोग उठा के ले गए, और काफी लोगों को पाकिस्तानी स्टेट में स्क्राइब्स को जो जर्नलिस्ट उनको टॉर्चर करा, लोगों ने जुगाड़ लगाए लेना है, क्योंकि दुनिया भी नहीं चाहती कि एक न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री जो है ना वो डिफॉल्ट ना हो, तो क्योंकि जब डिफॉल्ट हो जाएगा तो पहले भी टीटीपी वाले हमारे सरों पे बैठे हैं, वो हमले भी कर रहे हैं बार बार, अगर ये डिफॉल्ट होता है तो वो उनकी ज़्यादा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ये तो कोई नई बात नहीं है कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान ऑफिशियली डिफॉल्ट कर चुका, क्योंकि सबको पता है कि उनके पास रिजर्व्स तो है नहीं और जरूरियात ज़्यादा है, तो ये डिफॉल्ट वाली बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास पैसे जो अभी रिजर्व्स पड़े हैं वो भी सऊदी ने लिए हुए हैं, तो उनके अपने तो रिजर्व्स है ही नहीं, तो ऐसे कंट्री तो डिफॉल्ट ही कहलाएंगे। और कई देशों से पीक मांग के IMF से मांग के आज तक तो अपना देश चला रहे थे, लेकिन अब तो कोई पीक भी देना नहीं चाहते, क्योंकि सबको चुना लगाते हैं। IMF को 22 बार उनके प्रोग्राम में गए हैं, और जो वो शर्त रखते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए, वो जब पैसे लेने की बारी आती है तब तो हाँ हाँ करके सब साइन कर देते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अब पाकिस्तान जब तक IMF की शर्तों को पूरा नहीं करेगा तब तक IMF उनको लोन नहीं देगा, और उनके जो ब्रदर मुल्क कहते हैं वो सब ने भी कह दिया है कि जब तक IMF आपको लोन नहीं देगा तब तक हम भी आपको पैसे नहीं देंगे। तो अगर पाकिस्तान की आर्मी चाहती है तो फिर ये सब बातें इम्प्लीमेंट करे और IMF से लोन ले ले। और जहाँ तक बात रही बिलावल भुट्टो की, तो इनकी क्वालिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन वहाँ पे सभी नेता प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए ही हर वक्त सोचते रहते हैं, पाकिस्तान की भलाई के लिए तो कोई सोचता नहीं, जहाँ भी जाते हैं पैसे मांग लाते हैं या फिर कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं, और वहाँ पे जो हालात है उसके बारे में तो उन लोगों को कोई पड़ी नहीं है, जो वहाँ की जनता है उसकी उनकी बेहतरी के लिए तो कोई सोचता नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है और पावर में फिर से कैसे आए या मैं प्रधानमंत्री कैसे बन जाऊँ वही सोचते रहते हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।